लव मैरिज को लेकर आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चलता ही होगा, और आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल रहे और आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो जाए। तो स्क्रीन पर आपको जो 5 स्टार दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी भी एक स्टार को चुनना है। इन 5 में से एक वो भाग्यशाली स्टार है जिसका चयन करने वाला लव मैरिज में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप उस भाग्यशाली स्टार को चूज करते हैं तो समझ लीजिए कि 2023 में आपकी लव मैरिज बिल्कुल पक्का हो ही जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अपना भाग्यशाली स्टार चुनने से पहले एक बात का ध्यान रख लेना, आपको एक बार चुनने के बाद स्टार बदलना नहीं है, क्योंकि जो पहली बार आपने चुन लिया वही आपके लिए लकी स्टार रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। लेकिन आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा यहां पर अंक ज्योतिष से जुड़े और मैजिक से जुड़े ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपने नंबर 5 चुना है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए उतना भाग्यशाली नहीं रहने वाला है, क्योंकि नंबर 5 वाले जो लोग हैं उनकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उनका पार्टनर उन्हें आगे जाकर लव मैरिज के लिए मना कर सकता है, या फिर कोई ना कोई दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई या झगड़े हो जाएंगे जिसके कारण आपकी लव लाइफ रुक जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा। आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल लव मैरिज में नहीं बदल सकती है। अगर आपने नंबर 4 का चूज किया है, नंबर 4 को चुना है, तो आपकी लव मैरिज के पीछे आपके परिवार वालों के द्वारा परेशानी आ जाएगी। घर वाले नहीं मानेंगे, परिवार वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी और आपकी जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल लव मैरिज की तरफ नहीं जा सकती है। लेकिन आपने नंबर 3 का चयन किया है तो ये बड़ा भाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ सभी लोगों को छोड़कर दुनिया की चिंता किए बिना अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी ऐसी आ जाएंगी कि आपकी लव मैरिज 2023 में तो नहीं हो सकती है, उसके बाद ही होगी, लेकिन 2023 में नहीं होगी। और अगर आपने नंबर 1 का चयन किया है तो नंबर 1 वालों के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपका गुस्सैल स्वभाव, आपका क्रोध, आपका अपने पार्टनर पर बार बार शक करना आपके रिलेशन को खराब कर देगा और 2023 में आपकी भी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आपने नंबर 2 का चयन किया है, नंबर 2 को चूज किया है, तो भाई ये वो भाग्यशाली अंक है 2023 के लिए जिसमें आपकी लव मैरिज 100% होने वाली है, क्योंकि नंबर 2 आपको 2023 में आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में बदलने के लिए बहुत ही पावरफुल योग बना रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और लकी नंबर है। जिन लोगों ने नंबर 2 का चयन किया उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, क्योंकि ये भाग्यशाली नंबर आपको 2023 में लव मैरिज के रास्ते आपके लिए क्लियर कर देगा और आपकी लव मैरिज होकर ही रहेगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।